हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम वायरॉइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वायरॉइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर वायरॉइड्स, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वायरॉइड्स किस तरह रिप्लिकेट करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स में और प्लांट में कौन कौन से डिजीज काज करते हैं, तो इस बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। वायरॉइड जो हैं ये वायरस लाइक पैथोजन है, यानी वायरस नहीं है, वायरस लाइक पैथोजन है जो बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये वायरसेस से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी वायरॉइड जो हैं ये वायरसेस नहीं होते, उनसे डिफरेंट होते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए जीनोम पे, यानी इनमें क्या मौजूद होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिनके बाहर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। यानी वायरस से ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वायरस के बाहर जो है वो क्या होता है, आउटर प्रोटीन कोट मौजूद होता है। वायरॉइड वर्ड जो है टू वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, VAR वेर मीन्स वायरस, ऑइड मीन्स लाइक, यानी वायरस लाइक पार्टिकल होते हैं। इनको फर्स्ट जो है वो डैनर ने 1971 में डिस्कवर किया था, जो एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस इन मायरलैंड में जो है ये क्या थे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। ओके, ए लिटिल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रियोन्स। तो जिस तरह हमने जिक्र किया कि फर्स्ट जो थे ये 1971 में डैनर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया गया था, और उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या हैं, फ्री नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके लिए उन्होंने वायरॉइड का वर्ड यूज किया था। फिर फर्दर जो थे वो 1973 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स जो थे वो वायरॉइड के उन्होंने जो है वो साइंटिस्ट ने लिए थे, और उसमें इनका जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह था, हेयर पिन स्ट्रक्चर शो किया गया था वायरॉइड का। फिर 1974 में ये कंफर्म किया गया कि वायरॉइड जो है ये नॉन कोडिंग है, मींस कि कोई प्रोटीन वगैरह ये कोड नहीं करते, कोई कोडिंग नहीं करते। 1976 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स जो थे वायरॉइड्स के, उसमें इनका जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह शो किया गया कि ये क्या हैं, सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। और 1978 में फिर जो है जो पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरस वायरॉइड था, उनको जो है फिर कंप्लीटली क्या किया गया था, सीक्वेंस किया गया था। ओके, स्ट्रक्चर जो है ये कोहेरेंटली क्लोज सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम पे मुश्तमिल होता है, जो 250 to 370 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ये न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। ये इनका जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, और ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, ऑटोनॉमस रिप्लिकेशन करते हैं, मींस के ये ऑटोनॉमसली रिप्लिकेट करते हैं, खुद ब खुद सेल में जाके ये रिप्लिकेट करते हैं और क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। इनका जो साइज है ये 20 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर होता है, और ये क्या करते हैं, प्लांट में भी डिजीज काज कर सकते हैं और साथ साथ में ये ह्यूमन बीइंग्स में भी डिजीज काज कर सकते हैं। और ये जो है सिंपली आरएनए मॉलिक्यूल के बने होते हैं, यानी इनका जीनोम जो है वो क्या होता है, आरएनए पे सिर्फ मुश्तमिल होता है। ये इनका जो है वो स्ट्रक्चर है, ये रॉड शेप में भी इनका जीनोम पाया जाता है और ब्रांच शेप में भी जो है इनका जीनोम पाया जाता है, जो किस तरह होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता बल्कि सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। अच्छा, फिर जो है ये इनका जो जीनोम है ये नॉन कोडिंग होता है, मींस ये कोई पोलीमरेज एंजाइम को कोड नहीं करता, बल्कि ये क्या करते हैं, होस्ट एनकोडेड आरएनए पोलीमरेजेस को ये अपने रिप्लिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। वायरॉइड्स के तकरीबन कोई 40 स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं, और इसके साथ जो है इनमें बहुत से ऐसे हैं जो कैरेक्टराइज भी हुए हैं। और ये जो है वायरसेस से और प्रियोन से जो है ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जिस तरह आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है वायरस है, वायरस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए जीनोम मौजूद होता है और इसके बाहर प्रोटीन कोट मौजूद होता है। फिर देखें प्रियोन से ये किस तरह डिफरेंट है कि प्रियोन जो है वो प्रोटीन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, तो इससे भी ये डिफरेंट होता है, क्योंकि वायरॉइड जो है ये क्या है, आरएनए पार्टिकल्स हैं। ओके, अब जो है हम रिप्लिकेशन पे बात करेंगे कि वायरॉइड जो है ये किस तरह रिप्लिकेट करते हैं। तो हमने जिक्र किया कि वायरॉइड के पास अपना जो है वो एंजाइम्स नहीं होते, आरएनए पॉलीमरेजेस नहीं होते, बल्कि ये होस्ट के आरएनए पॉलीमरेजेस को यूज करते हैं। तो इनका जो स्ट्रैंड है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए स्ट्रैंड होता है सर्कुलर। अब जब ये रिप्लिकेट करते हैं तो ये होस्ट के न्यूक्लियस में जाके रिप्लिकेट करते हैं, या तो होस्ट के न्यूक्लियस में या फॉर एग्जाम्पल जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह है उसमें जाके ये रिप्लिकेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि होस्ट के आरएनए पॉलीमरेजेस यूज करते हैं। तो होस्ट के आरएनए पॉलीमरेजेस फर्स्ट क्या करते हैं कि इनका जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है ना उस पे ये क्या करते हैं, एक नेगेटिव स्ट्रैंड डेवलप करते हैं। और ये जो है जो नेगेटिव स्ट्रैंड ये डेवलप करते हैं ना, इस मेकनिज्म को कहते हैं रोलिंग सर्कल मेकनिज्म। तो ये रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, नेगेटिव स्ट्रैंड डेवलप करते हैं। फिर इनकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वो है कि ये क्या करते हैं, अपने आप को जो है सेल्फ क्लीवेज भी करते हैं, कि अपने ही जीनोम को क्या कर सकते हैं, ये क्लीव कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट पे अपनी जीनोम की क्या करते हैं, सेल्फ क्लीवेज करते हैं। उसके बाद जो है ये इंडिविजुअल जो है मोनोमर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, नेगेटिव स्ट्रैंड ही होते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल मोनोमर्स हैं ये क्या होते हैं, ये सर्कुलराइज हो जाते हैं, ठीक है, यानी इनके एंड्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और सर्कुलराइज होते हैं। फर्दर अब ये क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव स्ट्रैंड इन्होंने डेवलप किया है उसके ऊपर जो है ये दोबारा से एक और स्ट्रैंड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रैंड। तो नेगेटिव स्ट्रैंड के ऊपर ये रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर देते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड डेवलप कर देते हैं। अब दोबारा से ये क्या कर देते हैं, ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाते हैं ना उनको ये क्या कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं, ठीक है। जो इनमें जो है ऑटो या सेल्फ क्लीवेज का जो मैकेनिज्म है ना वायरॉइड्स में, उनके थ्रू ये क्या कर देते हैं, इसको दोबारा से क्लीव कर देते हैं और उनको मोनोमर्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब ये मोनोमर जो है क्या कर देते हैं, ये दोबारा से अपने आप को सर्कुलराइज कर देते हैं, यानी जो है सर्कुलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये अब स्ट्रैंड क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है। तो इस तरह जो है ये अपने साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं। और इधर जो है ये जो है वो सेवरल कॉपीज इनकी प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की ये सेवरल कॉपीज प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह जो है ये अपने आप को क्या कर देता है, रिप्लिकेट करते हैं। ये साइकिल्स चलते रहते हैं और इनका नंबर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है और जाके ये न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करते रहते हैं। वायरॉइड्स की जो एक प्रॉपर्टी है, जो ये होस्ट सेल में जाके क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी इनकी है कि ये आरएनए की साइलेंसिंग करते हैं, यानी आरएनए को साइलेंट कर देते हैं, फिर वो एक्सप्रेस नहीं होता। तो वायरॉइड्स के पास जो है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होता है, siRNA उनको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये आरएनए क्या करता है कि होस्ट जो मैसेंजर आरएनए है उसको क्या करता है, उसके ऊपर अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लांट में है तो प्लांट में ये क्या, प्लांट जो है एमआरएनए सिंथेसाइज करता है ताकि वो आगे उसको ट्रांसलेट कर ले और कोई प्रोटीन सिंथेसाइज कर ले। तो ये जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें ये क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए होता है वायरॉइड का, वो जाके होस्ट एमआरएनए पे अटैच हो जाता है और क्या करता है, उनको डिग्रेड करता है या उनको इनहिबिट कर देता है, यानी उनकी ट्रांसलेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह जो प्लांट है वो क्या करता है, डिस्टॉर्टेड ग्रोथ, यानी उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है या इवन उनको किल कर देते हैं। तो इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वायरॉइड आरएनए है ना, ये क्या कर देता है, इसको जो है वो शॉर्ट पीसेस में डिवाइड कर देता है, उनसे क्या बना देता है, siRNA यानी स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बना देते हैं और को फर्दर जो है उनसे रेबो न्यूक्लियस कम्प्लेक्स बना देते हैं। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ये रेबो न्यूक्लियस कम्प्लेक्स हैं। अब इनको ये जाके होस्ट एमआरएनए में इंसर्ट कर देते हैं और इस तरह जो है होस्ट एमआरएनए क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो उस डिजीज के साइन और सिम्टम्स जो है वो डिवेलप हो जाते हैं होस्ट पे। अच्छा, प्लांट में तो ये जो डिजीज काज करते हैं ना, उसके अलावा ये ह्यूमन बीइंग्स में भी एक स्पेसिफिक डिजीज को काज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो इन्फेक्शन है ना, ये कंसीडर किया जाता है कि ये वायरॉइड ही काज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी को हम डिफेक्टिव वायरस कहते हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस क्या कहलाता है, डिफेक्टिव वायरस या डेल्टा वायरस भी हम इसको कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो डिफेक्टिव वायरस है ये क्या काज करता है, ह्यूमन में हेपेटाइटिस डी काज करता है। लेकिन इनकी प्रेजेंस के लिए या इनकी इन्फेक्शन के लिए हेपेटाइटिस बी का होना जरूरी है। अब इधर आप लोग देखें कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, इनका जो है ये स्ट्रक्चर है ना, और ऊपर बाहर जो है इनका ये प्रोटीन कोट है। अब हेपेटाइटिस डी को अगर हम देखें तो इनका जीनोम जो है ये आरएनए जीनोम होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी का जो है वो क्या होता है, डीएनए जीनोम होता है। लेकिन इनका जो प्रोटीन कोट है ना वो बहुत ही सिमिलर होता है, यानी हेपेटाइटिस बी का जो प्रोटीन कोट है वो हेपेटाइटिस डी का भी होता है। तो ये इंज्यूम किया जाता है कि ये जो वायरॉइड है ये क्या कर लेता है, हेपेटाइटिस बी का जो है वो प्रोटीन कोड को यूज करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोटीन कोड पे जो है वो सरफेस प्रोटीन है ना, जिस तरह हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है एल, और एम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, और एस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, ये जो है हेपेटाइटिस डी के भी यही सरफेस एंटीजन होते हैं। तो मीन्स के ये जो वायरॉइड है ये क्या यूज करता है, हेपेटाइटिस बी का ही प्रोटीन कोट यूज करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरह जो है ये क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में इन्फेक्शन काज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये प्लांट में डिफरेंट डिजीज काज करते हैं, जिस तरह पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, हॉपस्टन डिजीज है, कोकोनट कैडंग कैडंग डिजीज है, एप्पल स्कार डिजीज है, इस तरह पीच लेटेंट डिजीज है या एवोकाडो डिजीज है। तो इस तरह ये डिफरेंट प्लांट डिजीज काज करते हैं, लेकिन इसमें हम जो इम्पोर्टेंट वन है उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। फर्स्ट जो है वो ये पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज डिस्कवर हुआ था और ये आइडेंटिफाई हुआ था कि इसको क्या काज करता है, वायरॉइड इनको काज करते हैं। इनके नेचुरल होस्ट क्या होते हैं, पोटेटोज होते हैं, और ये देखें कि पोटेटो का जो नॉर्मल शेप है वो चेंज हो जाता है, ट्यूबर शेप या स्पिंडल शेप की फॉर्म में जो है ये चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये पोटेटो में ये डिजीज काज करते हैं, और पोटेटो जो है इनको क्या होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं। इनमें टू डेट जो है वो कोई रेजिस्टेंट मैकेनिज्म इस वायरॉइड के अगेंस्ट पोटेटोज में डिवेलप नहीं हुई है। अच्छा, नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है उसको हम कहते हैं कोकोनट कैडंग कैडंग डिजीज जो है, ये क्या करते हैं, कोकोनट में काज करते हैं, और मिलियन जो है वो नुकसान होता है। मिलियन ट्रीज जो है इनको, कोकोनट्स को ये क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। इसमें ये ख्याल किया जाता है कि अगर एक जो पॉसिबल सोल्यूशन है या फॉर एग्जाम्पल इनका कंट्रोल है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो माइल्ड स्ट्रेन होता है ना वायरॉइड का, अगर हम उससे क्या कर लें, इस प्लांट को, कोकोनट प्लांट को इनोकुलेट कर लें, तो किसी हद तक जो है कहते हैं कि रेजिस्टेंस डिवेलप हो सकती है, और वो इसके लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि मे बी के फ्यूचर में हम इस तरह जो है वो इनके लिए कंट्रोल या प्रिवेंशन के लिए ये मेथड जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी माइल्ड स्ट्रेन से क्या कर लें, इसको कोकोनट ट्रीज को क्या कर लें, इनोकुलेट कर लें, ताकि इनमें ये डिजीज जो है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए जो है हमारा ये लेक्चर इधर तक ही था। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम वगैरह होती है या किसी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।